पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। ये पारा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। द पेरेंट्स वुड स्टेट दैट एट अबाउट 10:53 AM ऑन August 10th, 2024, they received a call from the hospital authorities. According to them, the assistant superintendent, Kerr Medical College Hospital, informed them that their daughter was unwell. पहले तबियत खराब है। यह है 10:53 सुबह। अब 10 तारीख की यह कॉल है, इसके बाद क्या होता है, 11:15 पे सेम असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट कहता है आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है, तबियत खराब थी। और केवल 22 मिनट बाद उस बेटी ने आत्महत्या करी है यह कह रहा है असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट। क्यों? जब हम सबको पता है कि हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका पार्थिव शरीर वहीं पे पड़ा था, तो ये नई स्टोरी क्यों रची जा रही थी?